हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका टीचर धीरज मल्होत्रा आज आप लोगों के सामने अपना एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन। देखिए बैंक रिकंसिलेशन का बैलेंस कैशबुक का और पासबुक का मिसमैच होता है। इसके मिसमैच होने के कई सारे कारण होते हैं तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैशबुक और पासबुक का बैलेंस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से कैसे मैच किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑल राइट, तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को आगे स्टार्ट करने से के लिए पहले अपन ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी प्रोप्राइटर है या कोई बिजनेसमैन है जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को करता है तो सारे अपने बैंक के ट्रांजैक्शन वो अपने कैशबुक में रिकॉर्ड करता है। तो कैशबुक में रिकॉर्ड किस तरीके से करता है कि कैशबुक में आपने देखा होगा जब आपने कैशबुक पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि कैशबुक के अंदर दो तरीके के कॉलम होते हैं हमारे। ये हमारा कैशबुक का फॉर्मेट है। तो इसमें एक कॉलम होता था हमारा कैश कॉलम और एक कॉलम होता था हमारा बैंक कॉलम। तो जो भी ट्रांजेक्शन हमारे कैश से लिंकअप हैं वो सारे कैश बुक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड होंगे और जो हम बैंक से जाके ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड होते हैं कैशबुक के। तो बैंक रिकंसिलेशन को समझने के लिए हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि कैशबुक और पासबुक दो तरीके की बुक्स हैं और उनमें दो तरीके की बैलेंसेज होते हैं। कैशबुक में प्रोप्राइटर जो बिजनेसमैन है वो सारे ट्रांजेक्शन अपने कैशबुक में रिकॉर्ड करेगा, जो भी उसके कैश में ट्रांजेक्शन होंगे, और जो वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करता है जैसे सैलरी किसी को बैंक के चेक के थ्रू अपन ने पेमेंट किया या हमने किसी से इंटरेस्ट रिसीव किया या चेक के थ्रू अपन ने किसी से पेमेंट रिसीव किया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन कैशबुक के अंदर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे हैं वही के वही ट्रांजेक्शन हमारी पासबुक के अंदर भी रिकॉर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाकर बैंक में पैसे जमा कराता हूँ तो अगर मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो कैश मेरे हाथ से गया है और बैंक में जाके जमा हुआ। और इसकी एंट्री जैसा कि आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, तो बाय बैंक और टू कैश करके अपन एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री है ये, तो टू कैश लिखते हैं तो बैंक कॉलम में आता है, बाय बैंक लिखते हैं तो कैश कॉलम में आता है। तो यानी हमारे बैंक कॉलम के अंदर हमने डेबिट साइड के अंदर एंट्री किया ये चीज दिखा के कि हमारे पैसे बैंक में जाके जमा हुए हैं। तो कैशबुक के अंदर मैं इस चीज की एंट्री कर रहा हूं कि मेरे पैसे बैंक में जमा हुए हैं। तो जब बैंक में जाके जमा हुए हैं तो इसी चीज की एंट्री बैंक भी करेगा। और बैंक क्या करेगा, बैंक भी अपने पास एक बुक मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं पासबुक। और उस पासबुक में भी दो कॉलम होते हैं, एक डिपॉजिट्स का और एक विड्रॉल्स का। एक डिपॉजिट्स का कॉलम होता है और एक विड्रॉल का कॉलम होता है। तो जो विड्रॉल के कॉलम के अंदर और डिपॉजिट के कॉलम के अंदर किस तरीके से एंट्री होगी, जैसे मैंने बैंक में जमा किए तो मेरे पैसे जमा हुए बैंक में, मैंने जब डेबिट में एंट्री की तो पासबुक इसी चीज की उल्टी एंट्री करता है, क्रेडिट साइड में जाके एंट्री करेगा। और हम जब पासबुक में क्रेडिट होता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे बैंक में पैसा जमा हो गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि पासबुक अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, मान लीजिए अगर मैं जैसे देखिए जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं बीइंग अ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर मैंने बैंक में जाके पैसे जमा कराता हूं, देखिए मान लीजिए अगर मैं बैंक में जाके पैसे जमा कराता हूं, मान लीजिए मैंने बैंक में जाके जैसे पैसे जमा कराए, तो बैंक में अगर मैं पैसे जमा करा रहा हूं तो मैंने बीइंग अ प्रोप्राइटर मैंने बैंक में जमा कराए, अगर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं यहां खड़ा हूं तो मैं बीइंग अ बिजनेसमैन, और अगर मैं यहां पर आ जाऊंगा तो मैं यहां पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। बैंक में अगर पैसे जमा हुए तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने इन नियर फ्यूचर, यानी बैंक ये बात बोलेगा कि मैंने इन नियर फ्यूचर उस प्रोप्राइटर को पैसे देने हैं, तो जिसको मैंने पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। और प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आगे बात करूंगा तो मैं ये बात बोलूंगा कि मैंने बैंक से पैसे लेने हैं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा डेटर बन जाएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि मैंने उससे पैसे लेने हैं। अगर बैंक वाला बोलता है तो वो बोलेगा देने हैं, तो वो उसके लिए क्रेडिटर, इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं। और मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा बीइंग अ प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बोलूंगा मैंने लेने हैं तो वो मेरा डेटर बन जाएगा, इसलिए डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जब एंट्री दोनों जगह होती है
हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के हिसाब से अगर अपन चलें तो मैंने आपने ये चीज़ देखी कि मैंने कैश बुक में जो एंट्री की वही पासबुक में भी हुई, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि जब हम कैश बुक में एंट्री कर देते हैं तो किसी वजह से पासबुक में एंट्री नहीं हो पाती है, या पासबुक में एंट्री अगर हो जाती है तो किसी वजह से कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाती है। तो ये जो मिसमैच है, ये जो एंट्री ना होने का जो कारण है, या तो एरर की वजह से या टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, यानी दो ही कारण होते हैं कैशबुक और पासबुक में एंट्री ना होने का और बैलेंसेस मिसमैच होने का, या तो टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से एंट्री ना हो या फिर कोई एरर रह जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस, जो अल्टीमेट बैलेंस आएगा उनके अंदर डिफरेंस आएगा, उन डिफरेंसेस को मैच करने के लिए ही हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को आगे समझने के लिए मैंने आपको इन दोनों एग्जांपल्स से ये बात समझा दिया कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, लेकिन उसको आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। कि कैशबुक और पासबुक दो बैलेंसेज हैं, तो कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस ये बिजनेसमैन अपने पास रखता है कैशबुक, और पासबुक बैंक वाला रखता है। हमने अभी इस एग्जाम्पल से भी सीखा कि पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है, बैंक, और कैशबुक में एंट्री कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का मालिक है। तो यहां पर कैशबुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो प्लस का बैलेंस माना जाता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो माइनस का बैलेंस माना जाता है। इसी तरीके से पासबुक भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस का। आगे जाके मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जब बनेगा तो उसके दो कॉलम होंगे, एक प्लस का कॉलम होगा और एक माइनस का कॉलम होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम माइनस के कॉलम में जाके लिख देंगे, और अगर प्लस का कॉलम है, मतलब अगर हमारे पास प्लस का बैलेंस है तो हम प्लस के कॉलम में जाके लिख देंगे। उसी तरीके से ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर पासबुक का दे रखा होगा तो हम माइनस के कॉलम में जाके लिख देंगे, और अगर हमारे पास नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस होगा तो हम प्लस के कॉलम में जाके लिख देंगे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको कि कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं अपन, कौन कौन से रीजंस हो जाते हैं जिस वजह से ये मिसमैच हो जाता है और हमें स्टेटमेंट बनाना होता है। मैंने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ समझाई है। देखिए आगे इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट टू मैच द डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, यानी कैशबुक और पासबुक का डिफरेंस को मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। यूजुअली ऑल द फर्म्स ओपन करंट अकाउंट इन द बैंक। यूजुअली सभी जो फर्म्स हैं, जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सभी करंट अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं बैंक के अंदर। प्रोप्राइटर मेंटेन्स, और जो बिजनेस का मालिक है वो अपने लिए कैशबुक बनाता है और कैशबुक का बैंक कॉलम बनाता है। बैंक ऑल्सो ओपन सेपरेट अकाउंट, यानी बैंक भी इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या काम करता है, पीरियडिकली सारे सबके लेजर खोलता है। देखिए बैंक ऑल्सो ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म इन इट्स लेजर, यानी हर फर्म के नेम से एक अलग लेजर खोलेगा बैंक भी। एंड एंटर ऑल द ट्रांजेक्शन इन इट्स पीरियडिकली, और हर के लेजर के अंदर, यानी बैंक वाला सभी फॉर्म्स के लेजर खोलेगा और सबके अंदर जो भी पैसा जमा हो रहा है या निकाल लिया जा रहा है वो सब सारे ट्रांजेक्शन बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। बैंक सप्लाई करता है कॉपी ऑफ द फॉर्म्स अकाउंट, जो फॉर्म का अकाउंट बनाया है बैंक वाले ने, फॉर्म का लेजर बनाया है उसकी एक कॉपी हमें प्रोवाइड करता है फॉर इंफॉर्मेशन कि बैंक वाले ने क्या रिकॉर्ड किया है क्या नहीं। दिस कॉपी ऑफ द फॉर्म्स अकाउंट विद द बैंक इस कॉल्ड बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, और इसी कॉपी को जो फॉर्म की लेजर बनाई है बैंक वाले ने उसी कॉपी को हम क्या बोलते हैं, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। नॉर्मली ऑल द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द कैशबुक मस्ट बी टैलीड विद द पासबुक, बट इन सम सर्कमस्टेंसेज इट इज नॉट मैच एंड टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ द टू बुक्स सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इस पैराग्राफ के अंदर भी मैंने ये बात बताई है कि यूजुअली तो बैंक अपना कैशबुक और पासबुक का जो बैलेंसेज हैं ये मैच होती हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये मिसमैच हो जाते हैं, कुछ डिफरेंसेज की वजह से मिसमैच हो जाते हैं। वो डिफरेंसेज टाइम डिफरेंस हो सकते हैं, या अकाउंटिंग एरर हो सकती है कि हमने कैशबुक में एंट्री कर दी पर पासबुक में नहीं की, या हम एंट्री करना भूल गए, या कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है। इस वजह से हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। थैंक यू।